तीसरी चीज न्यूटन जी ने क्या कही थी कि जो हमारा मास है वो भी क्या है, स्टेबल है। हर व्यक्ति का मास जो वजन है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। बट आइंस्टाइन जी आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका मास मान लिया कि हमने 40 kg है, बट अगर वो रन करने लगेगा तो उसका मास में क्या होगा, परिवर्तन होगा। स्पीड बढ़ाने पे मास क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे किसने कहा, आइंस्टाइन जी ने कहा। तो बोला अच्छा ठीक है। तो एग्जाम्पल वो जो हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उसका एक एग्जाम्पल है। माना ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन के अंदर से एक फोर्स लगता है, कौन सा, न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स, बाहर से लगेगा कौन सा, जी फोर्स, मतलब ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, सन रोटेट करता है अपने जगह पे, सबको पता है, ठीक है। तो बाहर से जी फोर्स लग रहा है, अंदर से न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है। तो धीरे धीरे जो न्यूक्लियस फोर्स है ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस फोर्स धीरे धीरे कम होगा, वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होगा, जो एन फोर्स है हमारा, एन फोर्स हमारा क्या होगा, कम होगा। तो सामने ही हमारा जो जी फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जी फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे जो इसके स्पीड ऑफ रोटेशन है वो क्या होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। स्पीड ऑफ रोटेशन भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो न्यूक्लियस फोर्स कम हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस फोर्स समाप्त हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत तेजी से लगने लगेगा। तो जब ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगी। स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है तो हमें बताया कि जब स्पीड बढ़ती है किसी चीज की तो मास बढ़ता है। तो साथ ही साथ क्या होगा, जो इसका मास होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही में इसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा, ये हो गया है खत्म, ग्रेविटेशन फोर्स बहुत बढ़ गया है, स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हुई है, बहुत बढ़ गई है, उस वजह से इसका मास क्या हुआ है, बहुत बढ़ गया है। तो एक समय पे जो स्पीड ऑफ रोटेशन है बराबर हो जाएगी किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से रोटेट करने लगेगा ये। जब ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से रोटेट करने लगेगा उस समय जो मास है इसका वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मास इसका क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब मास इसका इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, तब ये एक ब्लैक होल बन। मास जिसका अगर किसी का इनफाइनाइट हो गया, मतलब अनंत, कोई मेजरमेंट ही नहीं है जिसका, तो ये क्या होगा, एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसे ही फॉर्मेशन होता है एक ब्लैक होल का। तो उम्मीद करते हैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से आपको बताए समझ में आए होंगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर एक नया